ये सर मुझे बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपको क्या लगता है, क्योंकि वायदा में तो हम देख रहे हैं कि उठापटक का माहौल जारी है, लेकिन हाजिर में वायदा से ज़्यादा कीमतें देखने को मिली। हालांकि हाजिर में भी कुछ ज़्यादा खास कीमतें नहीं है, 6,700 6,800 मैक्सिमम देखने को मिला है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि हमने देखा है कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना में बारिश ना होने की वजह से, सूखा ज़्यादा पड़ने की वजह से वहाँ पर जो उत्पादन का अनुमान था उससे काफ़ी कम सोयाबीन रह सकती है वहाँ पर उत्पादन में। और ब्राज़ील और अर्जेंटीना का जो हिस्सा है ग्लोबली सोयाबीन के उत्पादन में वो काफ़ी बड़ा रहता है, क्योंकि ब्राज़ील और अर्जेंटीना मुख्य उत्पादक देश भी हैं और निर्यातक देश भी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि विदेशों में अगर सोयाबीन का जो उत्पादन है कम रहता है और वैश्विक उत्पादन में गिरावट आती है, तो क्या आगे चलकर आने वाले कुछ महीनों में सोयाबीन की कीमतों में तेजी संभव है? देखिए, फंडामेंटली प्रोडक्शन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, कैसा प्रोडक्शन रहता है जी। और कितना सूखा है और उसके बाद डिमांड कैसी है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन एडिबल ऑयल पैक की अगर बात की जाए तो सोयाबीन में आगे चलकर तेजी बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है जिसके चलते क्रॉप डैमेज की खबरें भी निकल कर आ रही है, और जैसे कि विदेशी बाजारों में लगातार तेजी का ही रुझान है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में कंट्रोल है अभी प्राइजेस के ऊपर। आगे इलेक्शंस भी हैं और दूसरा वायदा पर भी बैन लग चुका है आगे के वायदाओं पर, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तो फिलहाल बाजार सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहाँ से कीमतें बहुत ज्यादा करेक्शन में नहीं है, लेकिन अभी की सिनेरियो की बात करें तो बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, आगे चल के जैसी स्थिति रहेगी उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जी,